लेकर आया हूँ वो हमारा दो मिनट अगर खत्म मसावत में इतलाक वाला जो पॉइंट होता है ये बड़ा ही इजी और आसान पॉइंट है जिसमें हमको इबारती सवाल पूछे जाते हैं। तो इबारती सवाल हमें किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, तो ज़रा एक नज़र उस पर डालते हैं। जैसा कि हमको सवाल पूछा जाएगा आदात पर, या फिर दूसरा अगर हम देखें तो निस्बत पर, जिसमें निस्बत के अंदर हमें कसरे रहेंगी, कसरे पर सवाल रहेगा। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो उम्र पर सवाल आता है, हमको उम्र के लिहाज से सवाल पूछा जाता है। चौथा जो पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हिंदी सी अशकाल पर भी हमें सवाल रहता है। और पांचवा जो है रफ्तार वक्त पर सवाल हमारा आता है। इस तरह के मुख्तलिफ टाइप के जो सवाल हैं हमें दो मुतर खतीम मसावत उसी के साथ साथ मुरबी मसावत में ऐसे सवाल आते हैं। तो इन सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन पर जो मिसालें होती हैं हमारी उसकी मदद से हम लोग मसावत कैसे हासिल करेंगे, चलिए आज की वीडियो में हम उसका मुताला करते हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं हम यहाँ पर जो हमारे आदत पर डिपेंड करता है। दो आदत का मजमुआ 60 है, बड़ा आदत छोटे आदत के 3 गुना से 8 ज़्यादा है तो वो आदत मालूम कीजिए। बड़ा इजी टॉपिक है, यहाँ पर हम लोगों को दो आदत दिया गया तो ये हमारे तहरीरी सवाल है। तो तहरीरी सवाल के अंदर हम लोगों को दो पॉइंट फ़र्ज करना है, यानी दो मुतगैर हम लोगों को फ़र्ज करना है। तो हम यहाँ पर फ़र्ज करते हैं हल में, देखिए इस तरह से आपको फ़र्ज करना है। फ़र्ज किया कि दो आदाद एक्स और वाई है, इसमें बड़ा आदत और छोटे आदत का जिक्र किया गया है। आप अगर चाहे तो x को बड़ा बताओ या फिर y को बताओ, तो यहाँ पर हम लोग x को बड़ा बताते हैं, x बड़ा है y से। अब चलिए यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले मसावतें बनाना है और मसावतें बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन करना है। तो मसावतें किस तरह से बने, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दो से स्टार्ट हम लोग करते हैं और हमारा जुमला जो है मुकम्मल वो हाइपर हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, हाइपर। और यहाँ पर हम लोगों को पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाता है कि दो आदात का मजमुआ 60 है। तो मजमुआ यानी जमा वाली निशानी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शर्त के मुताबिक, शर्त के मुताबिक। आप यहाँ पर पहली शर्त लिख सकते हैं, पहली शर्त के मुताबिक। ओके, तो क्या कहा हमें, दो आदात का मजमुआ, दो आदात हमने क्या फ़र्ज किया हुआ है, एक्स और वाई। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स जमा वाई बराबर 60, ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1। अब हम आते हैं अगली बारी पर, देखिए क्या कहा हमें, बड़ा अदद, बड़ा अदद हमने क्या फर्ज किया, x। यहाँ पर लिखिए दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से हमने यहाँ पर लिखा दूसरी शर्त से क्या कहा गया है, बड़ा अदद, बड़ा अदद हमने फर्ज किया हुआ है x। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमा छोटे अदद के 3 गुना, छोटा अदद, छोटा अदद आपका क्या है, y। 3 गुना, 3 गुना यानी ज़र्बी शक्ल, तो क्या हो गया 3 बार, हम यहाँ पर लिखते हैं 3 बार से 8 ज़्यादा है। जहाँ पर ज़्यादा मजमुआ इस तरीके से जो अदद नाम हल्फाज आते हैं वहाँ पर हमें जमा की अलामत इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जमा कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कॉमे का इस्तेमाल किया उसने, किसका इस्तेमाल किया, कॉमे का, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बराबर, ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। अब यहाँ पर आपके पास मसावत नंबर 1 आ गई, मसावत नंबर 2 आ गई। आप इसको इस्तदलाल के जो तरीका होता है उसके तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इखराज के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको मुरब्बा कालिम के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो तरीका आसान लगता है वो तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर मसावत नंबर 2 को 1 में रखने पर मैंने लिखा मसावत नंबर 2 को 1 में रखने पर। ओके, तो मसावत नंबर 2 x, x की वैल्यू है हमारे पास 3y जमा 8, तो मसावत नंबर 1 हमारे पास क्या है, x जमा y। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे x जमा y बराबर 7। ओके, किसकी जगह रखना है, x की जगह पर, यानी यहाँ पर हमें रखना है क्या, रखना है 3y जमा 8। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3y जमा 8, ये y हमारा एज इट इज जैसा है वैसी लिखना है, बराबर हो गया हमारा 7।
एक वाई और तीन वाई कितना हो जाता है, चार वाई बराबर साठ, नफी का आठ। ये हो गया हमारा चार वाई बराबर साठ, में से अगर हम आठ को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, बावन। कितना बचता है, बावन। तो यहाँ पर लिखिए आप, इसलिए इसलिए y बराबर बावन बटे चार, तो इसलिए y बराबर कितना हो गया हमारा, तेरह। आपको पहला दत्त मिल गया तेरह, अब आपको दूसरा दत्त मालूम करना है। तो दूसरा दत्त मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो मसाद नंबर दो में रखेंगे। तो हम वहाँ पर वाला सेंटेंस यहाँ लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, y बराबर तेरह को मसावत दो में रखने पर। आपको इस तरह से सेंटेंस लिखना है, फिर आप मसावत नंबर दो लिख लीजिए, x बराबर तीन वाई जमा आठ, वाई की जगह पर आपको तेरह रखना है, x बराबर तीन कॉस में तेरह जमा आठ। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर तेरह किया उनचालीस, उनचालीस में आप आठ मिलाइए कितना होता है, सत्तेचालीस। लास्ट में सेंटेंस लिखिए, वो दो आदात तेरह और सैतालीस है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों हम दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दो आदात का फर्क चौपन है, छोटे आदत का चार गुना बड़े आदत से तीन कम है, तो वो आदात मालूम कीजिए। जैसा कि हमने वीडियो नंबर एक में पहले सवाल में हम लोगों ने फर्ज किए थे, वैसे हम फर्ज करते जाएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं फर्ज किया कि दो आदात x और y है, फिर यहाँ पर छोटे और बड़े आदात का जिक्र आया है, तो आप x को बड़ा मान लीजिए और y को छोटा, इस तरह से। तो चलिए हमारा जुमला दो से शुरू होता है और है पर ख़त्म हुआ, यानी ये पूरा का पूरा जुमला हमारा मीनिंगफुल है। तो हमारी मसावात इसी के मुताबिक बनेगी, हम लिखेंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से क्या कहा है, दो आदात का फर्क, फर्क यानी तफरीक। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स नफी वाई बराबर कितना है, चौपन। इसे हम मसावत नंबर एक देते हैं। अब आगे आते हैं कि मसावत नंबर दो किस तरह से हम लोग बनाए। तो क्या कहा गया हमें, छोटे अदद का चार गुना, छोटा अदद आपका क्या है, वाई। ओके, कितना गुना बोला है, का मीन्स जरबी शक्ल, चार हमने ये लिखा। बड़े अदद से आपका बड़ा अदद कौन है, बड़ा अदद आपका है x, यहाँ पर क्या कहा गया है, से कहा गया है, से यानी बराबर के अलामत, से कितना कम है, तीन कम है, कम यानी नफी की अलामत। तो कौन कम है ये समझना हमको जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए छोटा अदद का चार गुना, ओके, वो बड़े अदद से तीन कम, यानी छोटे अदद का जो चार गुना है यानी चार वाई, वो बड़े अदद से कितना कम है, तीन कम है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, ओके, लिखेंगे हम लोग x बराबर चार वाई नफी का तीन। समझा देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पर देखिए छोटे अदद का चार गुना बड़े अदद के, बड़े अदद से कितना कम है, तीन कम है, समझ में आ गया, यानी बड़ा अदद जो है उससे वो कितना कम है, तीन कम है। यह हुई हमारी मसावत नंबर दो। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, मसावत दो को यहाँ लिखते हैं हम लोग, मसावत दो को तीन एक में रखने पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मसावत नंबर दो है, इसको उठाते हैं, मसावत नंबर एक में रखते हैं। तो मसावत नंबर एक आप यहाँ पर लिखिए एक्स नफी वाई बराबर चौपन, किसकी जगह पर रखना है, एक्स की जगह पर चार वाई नफी का तीन रखना है। सबसे पहले जो हमारा वाई है उसे एड्रेस लिख लीजिए, एक्स की जगह पर आप लिखिए चार वाई नफी का तीन बराबर होता है चौपन। यहाँ पर देखिए ये नफी में है, ये मस्बत में है, तो चार में से एक गया कितना बचा, तीन वाई नफी का तीन, ये हो गया हमारा चौपन। यहाँ लिखते हैं हम लोग तीन वाई बराबर चौपन जमा तीन, तो ये हो जाएगा हमारा तीन वाई बराबर सत्तावन। ओके, अब तीन के पारे में सत्तावन आता है, कितने नंबर पर आता है, उन्नीस के पारे में आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y बराबर सत्तावन बटे तीन, तो इसलिए y बराबर कितना मिल गया हमको, उन्नीस हासिल हो गया। ओके, y बराबर कितना मिल गया, उन्नीस, इसे उठाइए मसावत नंबर दो में इस्तेमाल कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर उन्नीस को मसावत
दो में रखने पर, इस तरह से आप लिख लीजिए। ओके, तो क्या है हमारी मसावत नंबर दो, x बराबर 4y नफी का 3। यहाँ लिखिए x बराबर 4y नफी 3, x बराबर y की जगह पर 19 नफी 3, x बराबर 19 चौक कितना होता है 78, बराबर है ना 26, यानी 19 दूनी 38, 38 दूनी 76 होता है, सॉरी 76, 76 नफी 3, तो x बराबर कितना होगा हमारा 73 होगा। तो लास्ट में आप जवाब लिखेंगे, क्या जवाब लिखना है आपको, वो दो आदात कौन कौन से है, 73 और 57, कितना है 19। अब आपका जवाब सही है या गलत हम इसे चेक करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जवाब सही है या गलत है, तो यहाँ पर देखिए 19 और 73 के दरमियान में आप तफरीक कर लीजिए, इसका जवाब आपको क्या मिलेगा, 13 में से 9 गए, कितने बचे 4, और यहाँ पर कितना हमारे पास 6 में से 1 गया बचा 54। यह है हमारी मसावत नंबर। ओके, चलिए प्यारे बच्चों हम दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दो अदद का फर्क 54 है, छोटे अदद का 4 गुना बड़े अदद से 3 कम है, तो वो अदद मालूम कीजिए। जैसा कि हमने वीडियो नंबर 1 में पहले सवाल में हम लोगों ने फर्ज किए थे, वैसे हम फर्ज करते जाएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं फर्ज किया कि दो अदद एक्स और वाई है, फिर यहाँ पर छोटे और बड़े अदद का जिक्र आया है, तो आप x को बड़ा मान लीजिए और y को छोटा, इस तरह से। तो चलिए हमारा जुमला 2 से शुरू होता है और है पर ख़त्म हुआ, यानी ये पूरा का पूरा जुमला हमारा मीनिंगफुल है, तो हमारी मसावात इसी के मुताबिक बनेगी। हम लिखेंगे पहली शर्त से क्या कहा है, दो आदात का फर्क, फर्क यानी तफरीक। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x नफी y बराबर कितना है 54, इसे हम मसावत नंबर 1 देते हैं। अब आगे आते हैं कि मसावत नंबर 2 किस तरह से हम लोग बनाए, तो क्या कहा गया हमें, छोटे अदद का 4 गुना, छोटा अदद आपका क्या है y। ओके, कितना गुना बोला है, का मीन्स जरबी शक्ल 4, हमने ये लिखा। बड़े अदद से आपका बड़ा अदद कौन है, बड़ा अदद आपका है x, यहाँ पर क्या कहा गया है से कहा गया है, से यानी बराबर के अलावा, से कितना कम है 3 कम है, कम यानी नफी की अलामत, तो कौन कम है ये समझना हमको जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए छोटा अदद का 4 गुना, ओके, वो बड़े अदद से 3 कम है, यानी छोटे अदद का जो 4 गुना है यानी 4y, वो बड़े अदद से कितना कम है 3 कम है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरी शर्त से ओके, लिखेंगे हम लोग x बराबर 4y नफी का 3। समझा देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पर देखिए छोटे अदद का 4 गुना बड़े अदद से कितना कम है 3 कम है, समझ आ गया, यानी बड़ा अदद जो है उससे वो कितना कम है 3 कम है। यह हो गई हमारी मसावत नंबर 2। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, मसावत 2 को यहाँ लिखते हैं हम लोग, मसावत 2 को 1 में रखने पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मसावत नंबर 2 है, इसको उठाते हैं मसावत नंबर 1 में रखते हैं, तो मसावत नंबर 1 आप यहाँ पर लिखिए x नफी y बराबर 54, किसकी जगह पर रखना है, x की जगह पर 4y नफी का 3 रखना है। सबसे पहले जो हमारा y उसे एड्रेस लिख लीजिए, x की जगह पर आप लिखिए 4y नफी का 3 बराबर होता है 54। यहाँ पर देखिए ये नफी में है ये मजबत में है, तो 4 में से 1 गया कितना बचा 3y नफी का 3, ये हो गया हमारा 54। यहाँ लिखते हैं हम लोग 3y बराबर 54 जमा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3y बराबर 57। ओके, अब 3 के पारे में 57 आता है, कितने नंबर पर आता है 19 के पारे में आता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y बराबर 57/3, तो इसलिए y बराबर कितना मिल गया हमको 19 हासिल हो गया। ओके, y बराबर कितना मिल गया 19, इसे उठाइए मसावत नंबर 2 में इस्तेमाल कीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 19 को मसावत 2 में रखने पर,
इस तरह से आप लिख लीजिए ओके। तो क्या है हमारी मसावत नंबर दो, x बराबर 4y नफी का 3। यहाँ लिखिए x बराबर 4y नफी 3, x बराबर y की जगह पर 19 नफी 3, x बराबर 19 चौक कितना होता है 78, बराबर है ना 26, यानी 19 दूनी 38, 38 दूनी 76 होता है, सॉरी 76 नफी 3, तो x बराबर कितना होगा हमारा 73 होगा। तो लास्ट में आप जवाब लिखेंगे, क्या जवाब लिखना है आपको, वो दो आदात कौन कौन से है, 73 और 57, कितना है 19। अब आपका जवाब सही है या गलत हम इसे चेक करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जवाब सही है या गलत है, तो यहाँ पर देखिए 19 और 73 के दरमियान में आप तफरीक कर लीजिए, इसका जवाब आपको क्या मिलेगा, 13 में से 9 गए कितने बचे 4, और यहाँ पर कितना हमारे पास 6 में से 1 गया बचा 54। यह है हमारी मसावत नंबर ओके। चलिए प्यारे बच्चों तीसरा सवाल लेते हैं हम, दो अदद की जमा 97 है, बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत 7 और बाकी 1 बचता है, वो अदद मालूम कीजिए। तो जैसा हमने पिछली दो वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम लोग फर्ज करते हैं, यहाँ पर तो फिर दो अदद का जिक्र किया गया है, फर्ज कीजिए, फर्ज किया कि एक्स और वाई दो अदद है ओके। पहली शर्त आपकी कहाँ से है, यहाँ से 2 से लेकर है तक, तो आप लिखिए पहली शर्त से क्या लिखेंगे, जमा बोला गया है x जमा y बराबर 97, मसावत नंबर 1, ये हो गया हमारा। आगे देखिए बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करने पर, हमको तकसीम का रूल पता है, आप जानते अच्छी तरीके से इस तरह की तकसीम रहती है हमारी, और तकसीम के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर हमारा मकसूम होता है, यहाँ पर हमारा मकसूम अलग होता है, ऊपर खारिज किस्मत और नीचे हमारा बाकी होता है, यह हमारा क्या है तकसीम के 4 हिस्से। चलिए इसी के मुताबिक हम लिखते हैं बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करने पर, अब हमें यहाँ पर यह बताना है कि हमारा बड़ा अदद कौन सा है, तो चलिए हमने x को बड़ा अदद बनाया वाई से, और रूल हमको मालूम है तकसीम का कि हमेशा बड़ा अदद तकसीम होता है छोटे अदद से, तो आपके पास फॉर्मूला है किस तरीके से लिखना है, बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत 7 और बाकी 1 बचता है वो अदद मालूम कीजिए। तो आपका फॉर्मूला है इस तरह से, मकसूम अलै ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी, ये फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले की मदद से हम लोग एक नई मसावत बनाएंगे। मकसूम यानी क्या क्या होता है हमारा मकसूम, यहाँ पर है यानी बड़ा अदद, बड़ा अदद आपका क्या है x, यहाँ पर हमने लिखा x, मकसूम अलै यानी जो तकसीम दे रहा है, तो वो कौन सा अदद होता है छोटा, तो छोटा क्या हमने फर्ज किया हुआ है y, ज़र्ब खारिज किस्मत क्या कहा गया है, खारिज किस्मत कितना आता है 7 आता है, यहाँ पर हमने लिखा 7, बाकी कितना बचता है 1, तो जमा करके हम लिखेंगे 1, तो हमारी मसावत हासिल हुई x बराबर 7y जमा का 1, ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। अब हमें क्या करना है, मसावत नंबर 2 को 1 में रखने पर, यहाँ लिखते हैं हम लोग मसावत 2 को 1 में रखने पर ओके। तो आपको क्या करना है, मसावत नंबर 1 लिखनी है, आप लिखेंगे यहाँ पर x जमा y बराबर 97, एक्स की जगह पर आप लिखिए पहले वाई जो है जमा वाला उसे एज इट इज लिख लीजिए बराबर 97 करके, एक्स की जगह पर आप लिखिए 7y जमा 1। अब इसमें देखिए इन दोनों की जमा ये हो जाता है हमारा 8y बराबर 97, यहाँ पर जमा का 1 है इधर आकर वो मनफी का 1 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 8y बराबर 96, कितना हो गया 96, तो 8 के पारे में 96 आता है, कितने नंबर पर आता है 12 नंबर पर, तो y बराबर हमें कितना हासिल हो गया 12, ये पहला अदद हमें मिल गया 12। अब इसे उठाते हैं मसावत नंबर किस में रखते हैं हम लोग, 1 में 2 में रखते हैं, तो y बराबर 12 को मसावत 2 में रखने पर, इस तरह से आपको लिखना है मसावत 2 में रखने पर, तो y बराबर
क्या मिला आपको, सात सॉरी एक्स बराबर लिखना है आपको, एक्स बराबर सात वाई जमा का एक, एक्स एज इट इज रहेगा सात, वाई की जगह पर आप लिखिए बारह जमा का एक, बारह सातें चौरासी जमा का एक एक्स बराबर, तो इसलिए एक्स बराबर हमें हासिल हो गया पचासी। लास्ट में आप आदत लिखिए, वो आदत पचासी और बारह है। चलिए उसी टाइप का दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग, एक बाप अपने बेटे से तीन गुना बड़ा है, पांच साल कब्ल बाप की उम्र उसके बेटे की उस वक्त की उम्र का चार गुना थी, तो उनकी मौजूदा उम्रें क्या होगी। यहाँ पर देखिए इसमें दो नाम इस्तेमाल किए गए, पहला है बाप, दूसरा है बेटा। ओके, तो हमें सबसे पहले इनको फर्ज करना है, क्योंकि हम लोगों को बाप और बेटे की ही उम्र मालूम करनी है। तो चलिए हम इन्हें फर्ज करते हैं। हल में हम लिखेंगे फर्ज किया के, गौर से देखिए क्या कहा है हमें, एक बाप अपने बेटे से तीन गुना बड़ा है, यानी आप बाप के लिए x फर्ज कीजिए, बाप बराबर x, और बेटे के लिए आप क्या फर्ज कीजिए, y। ओके, इस तरह से आप इसको फर्ज कर सकते हैं। आगे लिखेंगे हम पहली शर्त के मुताबिक, यहाँ पर लिखिए पहली शर्त के मुताबिक, क्या है हमारी पहली शर्त, एक से लेकर है तक हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है, इसी से हम लोगों को पहली मसावत बनानी है। क्या कहा गया है, बाप अपने बेटे से तीन गुना कैसा है, बड़ा है, तो बाप के लिए हमने फर्ज किया हुआ है एक्स बराबर, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया, एक बाप अपने बेटे से तीन गुना बड़ा है, तो बेटा है हमारे पास वाई, तीन गुना गुना यानी जरबी शक्ल, इस तरह की ये हो गई हमारी मसावत नंबर एक, इसे हमने लिखा मसावत नंबर एक। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग, पांच साल कब्ल, कब्ल यानी पहले, और पहले के लिए हम लोग मनफी की अलामत का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ये जुमला पहले लिखते हैं, पांच साल कब्ल, यहाँ पर हम लिखते हैं पांच साल कब्ल। आगे क्या कहा उसने, बाप की उम्र, बाप के लिए आपने क्या फर्ज किया हुआ है एक्स, यहाँ पर लिखिए एक्स नफी पांच, और क्या कहा उसके बेटे की उम्र, यानी पांच साल अगर वालिद की उम्रों में से कम हो रहे हैं तो बेटे की उम्र में से भी क्या होंगे, कम होंगे। यहां लिखेंगे हम, इसे पूरा जुमला लिखिए, बाप की उम्र एक्स नफी पांच और बेटे की उम्र वाई नफी पांच है ना, उस वक्त उम्र का चार गुना थी, ये जुमले को आपको समझना है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों बातें लिख लेते हैं, यानी x नफी पाँच बराबर है y नफी पाँच के। अब यहाँ पर देखिए बेटे की उस वक्त की उम्र का चार गुना, ये जुमले को समझना जरूरी है, बेटे की उस वक्त की उम्र का चार गुना थी, किसके गुना थी, बाप के, यानी बाप की उम्र के। ओके, तो यहाँ पर जो गुना का लफ्ज, यानी चार लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है, ये किसके पास लगेगा, बेटे के पास, बेटा यानी क्या, वाई, यानी पांच साल बाद बेटे की उम्र क्या थी, वाई नफी पांच, तो चार हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसे खोलते हैं, एक्स नफी पांच, ये हो जाएगा हमारा चार वाई नफी बीस। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसको इधर बुला लीजिए, एक्स नफी चार वाई बराबर नफी बीस अपनी जगह पर है, आप पांच इधर आपका आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया एक्स नफी चार वाई बराबर नफी का पंद्रह। समझ गए किस तरह से हमने इसको बनाया। ओके, अब हम आते हैं, इसे हम मसावत नंबर दो दे देते हैं, मसावत नंबर एक और मसावत नंबर दो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से, आपको लिखना है कि एक को दो में रखने पर। ओके, इसमें रखना है दो में, मसावत नंबर दो क्या आपके पास, एक्स नफी चार वाई बराबर नफी का पंद्रह, किसकी जगह पर रखना है, एक्स की जगह पर आप लिखेंगे तीन वाई, क्या लिखेंगे आप, एक्स की जगह पर आपको लिखना है तीन वाई, नफी का
चार वाई बराबर नफी का 15। ये वाली स्टेप समझ में आई कैसे लिखी हम लोगों ने? यहाँ पर देखिए x, x की जगह पर हमने क्या लिखा 3y, क्योंकि हमने मसाला नंबर एक लिखा था x बराबर 3y। ओके, अब यहाँ पर देखिए चार में से तीन गया, कितना बचा? नफी का 1y बराबर नफी के 15। तो यहाँ से ये नफी और ये नफी कैंसल, तो इसलिए y बराबर 15। y हमने किसे फर्ज किया हुआ है? बेटे को, यानी बेटे की उम्र हमको मिल गई 15 साल। अब इसे उठाते हैं, y बराबर 15 को मसावात, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग y बराबर 15 को मसावात 1 में रखने पर, यहाँ पर हमारी मसावात है x बराबर 3y। यहाँ लिखिए x बराबर 3, y की जगह पर 15 इस्तेमाल करेंगे, इसलिए x बराबर हमारा हो जाता है 45। आखिरी में आप सेंटेंस लिखिए, क्या लिखना है आपको? उनकी मौजूदा उम्र, तो किसकी मौजूदा उम्र? बाप और बेटे की। लास्ट में जुमला लिखना है बाप की, ये सेंटेंस आपको लिखना जरूरी है, मौजूदा उम्र कितनी है? 45 साल, और बेटे की मौजूदा उम्र कितनी है? 15 साल। ये सेंटेंस आपको आखिर में लिखना है। चलो, उम्रों के लिहाज से हम लोग और एक सवाल यहाँ पर देखते हैं। सवाल है हमारा, वालिदा और उसकी बेटी की मौजूदा उम्रों का मजमूआ 50 साल है। 20 साल बाद वालिदा की उम्र अपनी बेटी की उस वक्त की उम्र का दुगना होगी, तो उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। ओके, जैसा कि पिछली कुछ मिसालों में हम लोगों ने दो मुतलिया फ़र्ज किए थे, हर सवाल में हम लोगों को दो फ़र्द का उसके अंदर वो जिक्र देता था, तो यहाँ पर भी हमें एक वालिदा और एक बेटी दिया। तो चलिए हम इसके लिए फ़र्ज करते हैं, हमें लिखना है फ़र्ज किया कि वालिदा और बेटी की मौजूदा उम्र x और y साल है। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अब पहला जुमला आपको पता है, पहला सेंटेंस हमारा वालिदा से स्टार्ट होकर मजमूए तक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से क्या कहा गया हमें? मजमूआ। तो हम यहाँ लिखेंगे x जमा y बराबर 50, मसावत नंबर 1। आगे जुमला बोला 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद, ये सेंटेंस आप लिखिए 20 साल बाद। ओके, वालिदा की उम्र, तो वालिदा के लिए हमने क्या फर्ज किया हुआ है? x, यहाँ हम लिखेंगे x जमा 20। याद रखिए बाद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि बाद, ज्यादा, ओके, मजमुआ, इस तरीके के जो अल्फाज हमारे रहते हैं उनके लिए जो हम अलामत इस्तेमाल करेंगे वो हमारी मजबत वाली रहेंगी। कौन सी रहेंगी? मजबत वाली रहेंगी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो अब हमने क्या लिखा? 20 साल बाद x जमा 20, यानी कौन? वालिदा की उम्र, और बेटी की उम्र भी हमें भी लिखना है, तो क्या रहेगी? y जमा 20, ये हमने यहाँ पर लिख दिया y जमा 20। आगे क्या कहा कि वालिदा की उम्र अपनी बेटी की उस वक्त की उम्र का कितना होगी? दुगना। फिर यहाँ से हम लोग लिखते हैं दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, ओके, दूसरी शर्त से दोनों जो है हमारे 20 साल बाद, आप इस तरह से इसे लिख लीजिए बराबर की अलामत देकर। ओके, क्या कहा गया है? दुगना। अब किसके साथ है दुगना वाला लफ्ज? बेटी के साथ, तो बेटी के पास आपको लगाना है दुगना, तो बेटी हमने फर्ज किया हुआ है y, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो दुगना इस तरह से। अब आगे करते हैं हम उसको सॉल्व, हमें लिखना है x जमा 20 एज इट इज रहेगा हमारा, बराबर ये दो y के साथ ज़र्ब होगा 2y, फिर ये दो 20 के साथ ज़र्ब होगा, जमा का 40, यानी 20 दोनों कितना होता है? 40 होता है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा तरतीब दे दीजिए म्यारी सूरत में, x यहाँ से आप 2y को इधर शिफ्ट कीजिए, वो हो जाएगा हमारा नफी का 2y बराबर 40। ओके, और 20 को आप इधर शिफ्ट कीजिए, वो हो जाएगा नफी का 20। इस तरह से हम लिखेंगे x नफी 20 बराबर
बीस, सॉरी एक्स नफी वाई, एक्स नफी दो वाई बराबर बीस। मसावत नंबर कितनी हो गई हमारी, दो हो गई। इसके बाद आपको करना क्या है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक्स मसावत नंबर एक और मसावत नंबर दो में यक्षा शरीफ रखने वाला कौन है, एक्स है, इस तरह से। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको जो तरीका आसान लगता है वो तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। आप अगर चाहो तो इसको इखराज के तरीके से कीजिए, आप अगर चाहो तो इसको आप मुरब्बा कालिब के तरीके से यानी हमारे क्राइमर के रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई तरीका हो इस्तदलाल का जो तरीका है हमारा, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा मसावत नंबर एक और मसावत नंबर दो हमने यहाँ तफरीक कर लिया, तो चलिए इसको मसावत देख लो दो की तफरीक करते हैं। यहाँ पर हमने मसावत लिख दिए। अब आपको अच्छी तरह से पता है रूल कि पहली मसावत के बाद अगर हम तफरीक की अलामत लगाते तो जो बाद वाली मसावत होती है उसकी सब हर रुकन की क्या होती है, उसकी अलामत तब्दील हो जाती है। पहला वाला एक्स है, ये नफ़ी में चला जाएगा, ये नफ़ी वाला जमा में, और ये हो जाएगा हमारा नफ़ी, तो जिसमें एक्स एक्स कैंसल, यहाँ पर देखिए जमा का दो वाई और एक वाई, कितना हो गया तीन वाई बराबर। यहाँ पर नफ़ी का बीस है, अब हम क्या करेंगे पचास में से बीस को माइनस करते, कितना बचता है हमारे पास तीस, तो ये हो जाएगा वाई बराबर तीस बटे तीन, इसलिए वाई बराबर हमारे पास हो गया दस। ये पहला आंसर आ गया। अब आपको करना क्या है, मसावत नंबर यानी वाई बराबर दस को आप एक में रख लीजिए, मसावत एक में रखने पर, तो मसावत एक में रख लीजिए इसको, एक्स जमा वाई बराबर पचास, यह हमारी मसावत नंबर एक है। किसकी जगह पर रखना है, वाई की जगह पर। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको आगे, एक्स जमा दस बराबर पचास, तो एक्स बराबर पचास माइनस दस, आपको पता है दस जमा में इधर आकर मनफी हो जाएगी, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया हमारा चालीस हो गया। ओके, तो लास्ट में आपका सेंटेंस क्या रहेगा, वालिदा की मौजूदा उम्र चालीस और बेटे की मौजूदा उम्र कितनी होंगी दस साल।